हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस ट्रांसपिरेशन में हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है क्लास टेंथ में, जो कि बहुत पूछा जाता है, ट्रांसपिरेशन क्या है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट क्या क्या होंगे आपके, स्टेम एंड लीव्स। तो मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ कि कैसे आपको देखना है। ये देखिए, दिस इज द ग्राउंड एंड यहाँ पर आपका ट्री लगा हुआ है, और इस ट्री ये जो है इट इज ग्रीन पार्ट, सम ऑफ द पार्ट इज ग्रीन, जो जो भी ग्रीन पार्ट है और जितना भी आपकी लीव्स हैं, ये सारी की सारी क्या करती हैं, आपकी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन करती हैं। जो आपकी ये लीव्स हैं, इसके ऊपर से क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन भी होता है, और ये जो आपकी स्टेम है, यहाँ पर लेंटिसल स्पोर होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, और थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन यहाँ से भी होता है। यानी जितना भी एरियल पार्ट है, इन सबसे टोटल क्या होता रहता है, ट्रांसपिरेशन। सबसे ज़्यादा स्टोमेटल से होता है, उसके बाद आपके क्यूटिकल से होता है, देन आपका लेंटिसल से होता है। अब देखिए, जैसे ये आपकी लीव्स हैं, तो दीज आर द स्टोमेटास। स्टोमेटास हैविंग द स्टोमा इज द एपर्चर इन विच द गार्ड सेल्स आर देयर, और सबसे बाहर उनमें क्या होती है, एपिडर्मल सेल्स। ये ओपन पोर्स हैं, ये भी ये डे के टाइम पे ओपन हो जाते हैं ड्यू टू टर्जिडिटी, और नाइट के टाइम पे ये क्लोज हो जाते हैं। इसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये जो है, ये आपकी लीव्स, अगर ये आपकी डॉर्सीवेंट्रल लीव है, तो इसके अपर सर्फेस में बहुत कम जो है स्टोमेटास होते हैं, एंड लोअर सर्फेस में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कि सन की मदद से ये जो वाटर वेपर है, वाटर है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ से ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी कम है और अंदर ज़्यादा है। तो एनीथिंग आपने डिफ्यूजन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस, पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड, जो भी पार्टिकल्स हैं, दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ये वाटर वेपर यहाँ पर फॉर्म हुई, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी इसका अमाउंट, और ये वाटर वेपर यहाँ पर डिफ्यूज हो गई क्योंकि एटमोसफेयर में वाटर वेपर की कमी थी। तो इस तरीके से ये ट्रांसपिरेशन होता है। आगे देखते हैं, ये हमने कर ली डेफिनेशन, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सनलाइट पड़ी, यहाँ पर वाटर वेपर फॉर्म हुआ, वाटर्स निकला, तो क्या हो गया, कमी हो गई। यहाँ की सेल्स ने वाटर, इस वाली सेल से वाटर लेना शुरू किया, इसने इस सेल से, इसने इस सेल से, और फाइनली वो जो कमी है वो आपकी कहाँ पर आ गई, दैट इज इन जैलम वेसल्स। ये जैलम वेसल एक के ऊपर एक लगी हुई है और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये कमी इस वाली सेल ने, इस वाली सेल ने इससे वाटर ले लिया, क्यों, क्योंकि कमी यहां से आ रही है, यहां से इस वाली सेल ने इससे वाटर ले लिया, इस वाली सेल ने इससे वाटर ले लिया, इस वाली सेल ने इससे वाटर ले लिया। ठीक है, बिकॉज यहां पर तो वाटर वेपर की कमी यहीं से हो गई, यहां से वाटर वेपर उड़ गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, इसने इस वाली सेल से वाटर ले लिया, बिकॉज जहां पर वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम डायल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, ये वाली सेल डायल्यूट है एज कंपेयर टू दिस कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप, यहां से ले लिया, यहां से ले लिया। अब इस वाली सेल ने क्या किया, इस जैलम वेसल से ले लिया, यानी यहां से एक कंटिन्यूस फ्लो शुरू हो गया आपके वाटर का। पानी जो है यहां पर रोप की तरह सेल बाय सेल आपका ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। ठीक है, यही हो गया आपका एडहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द जैलम एंड कोहेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इन्होंने क्या बना लिया, रोप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब ये कमी आपकी जैलम वेसल से कहां तक पहुंच गई, इसने इससे क्योंकि ये इधर दे रहा है, तो ये इसमें कमी हो गई, इसने बगल वाले से ले लिया। लाइक दैट इट रीच टू पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से वाटर यहां आ गया, पेरिसाइकल वाली सेल ने इसको दे दिया, पेरिसाइकल में कॉन्सेंट्रेट हो गई, इसने इस वाली सेल से वाटर ले लिया ड्यू टू एंडोस्मोसिस, फिर इसने कॉर्टिकल सेल से वाटर ले लिया, कॉर्टिकल सेल से वाटर ले लिया, और फाइनली वाटर किसने खींचा, इस रूट हेयर ने खींचा। कहां से खींचा, सॉयल वाटर से खींचा। दिस सॉयल वाटर कंटेन्स मिनरल एंड वाटर बोथ, सॉयल सॉल्यूशन होता है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइपोटोनिक होती है एज कंपेयर टू रूट हेयर एंड सेल सैप। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम डायल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, और कमी कहां से बनकर आ रही है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू आ रही है। तो दिस तरीके, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ट्रांसपिरेशन एक्सर्ट्स अ टेंशन पुल वाटर कॉलम इन द जैलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप। यानी एसेंट ऑफ सैप को जनरेट किसने किया, दैट ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसने क्या क्रिएट किया, एक सक्शन फोर्स, कमी वाला, डेफिशिएंट वाला
फोर्स क्रिएट किया ताकि कॉन्सेंट्रेटेड सेल क्या करे, बगल वाली सेल से एंडोस्मोसिस करे, वाटर ले ले और अपनी कमी को पूरा करे। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इफेक्ट है इसका। देन नेक्स्ट इज कूलिंग इफेक्ट। ये जो है ये कूलिंग इफेक्ट भी करता है ट्रांसपीरेशन। क्यों? क्योंकि जब ये लीव से पानी निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इस जगह की, और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लांट की जो बहुत धूप में खड़े रहते हैं उनकी गर्मी को भी ठीक करता है। तो ट्रांसपीरेशन प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग ड्यूरिंग द हॉट समर डेज बिकॉज ऑफ इट्स कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ लीव सर्फेस। और ये लीव अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो एंजाइम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में खराब हो जाती हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशनल वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, वो एंजाइम फिर काम नहीं करती, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसलिए ठंडक बहुत ज़रूरी है अप टू सर्टेन लेवल। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी हमने देखा कि ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस इज पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कमी मैंने आपको बताया कि यहाँ से आ रही, यानी वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, नॉट बाय द रूट। ठीक है, ये थ्रू द रूट, ये ट्रांसपीरेशन वाला है थ्रू द रूट। और कमी कौन भेज रहा है, सक्शन फोर्स कौन भेज रहा है, दिस ट्रांसपीरेशन दिस लीव्स जहां पर ट्रांसपीरेशन हुआ। ठीक है, तो अब हमने इसके तीन आपने पढ़ लिए, एसेंट ऑफ सैप, कूलिंग इफेक्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या इसकी एडवांटेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स है। ट्रांसपोर्ट यानी वाटर, अभी मैंने आपको बताया कि सॉइल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये वाटर यहाँ पर मिक्स होता है अलोंग विद द मिनरल्स प्रेजेंट ओवर हेयर। तो जो भी मिनरल्स जो है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वो सब किस में मिक्स है, सॉयल में मिक्स है, और वो किस में एंटर हो रहे हैं, आपके रूट हेयर में हो रहे हैं और ट्रांसपीरेशन के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। तो यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, जो प्लांट को जैसे कि क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है, ठीक है, आयरन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसी तरीके से बहुत सारे आपके कॉपर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। ये सारे के सारे मिनरल्स कहां से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं, और कौन खींच रहा है, ये ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू अंदर जा रहे हैं वाटर के साथ मिक्स होके। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, अब जब डिसएडवांटेज क्या है, बहुत धूप है, धूप में क्या हो रहा है, रूट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, जितना भी पानी आपने डाला हुआ है उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो गया। मीन्स वेन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन द ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स, द लीव्स बिकम फ्लैसिड हो जाएंगी, उनसे पानी ज्यादा निकल जाएगा, वो ड्रॉप डाउन हो जाएंगी, एंड दैट इज नोन एज विल्टिंग। और ये टेम्परेरी विल्टिंग है तो आप पानी डालकर ठीक कर सकते हैं, बट इफ लेटर ऑन बहुत टाइम हो गया है धूप में खड़े खड़े तो क्या होगा, उसकी जो है सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म डेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसमें ठीक नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द परमानेंट विल्टिंग एंड टेम्परेरी विल्टिंग। टेम्परेरी विल्टिंग कैन बी रिकवर्ड, बट परमानेंट विल्टिंग में कोई भी चारा नहीं है कि आप लीफ को रिकवर्ड कर लें। तो विल्टिंग क्या हो गई, जीवन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मोर देन द रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, द लीफ बिकम फ्लैसिड, लीफ फ्लैसिड हो जाएंगी और विल्टिंग हो जाएगा। ये क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करता है, ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, वो फोटोसिंथेसिस ठीक से ड्रॉप डाउन लीफ कैसे करेगी, सर एरिया होना चाहिए अच्छा खासा। देन कम टू स्टंटेड ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टंटेड ग्रोथ, इट मींस इट इज ये एक रुकी हुई ग्रोथ है। तो एक्सेसिव रेट ऑफ लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, ये एक रुकी हुई ग्रोथ है। तो प्लांट क्या होगा, जब ठीक से उसको खाना नहीं, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज यानी खाना बनता है। अब खाना ठीक से नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, ये स्टंटेड ग्रोथ को शो करता है। नाउ मूव टू व्हाई ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी, फिर ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी इविल क्यों बोला जाता है, क्यों, इसे आप ध्यान से कर लेंगे। ये जो लीफ है, ये आपकी जो लीफ ऑफ द प्लांट है स्टोमेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, किस लिए होते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी CO2 है, जो भी CO2 वगैरह है वो कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, प्लांट क्या कर सके फोटोसिंथेसिस कर सके। CO2 और वाटर यहां से आ रहा है तो ये मिक्स होकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा, ये ग्लूकोज लीफ बना लेगी, है ना, और ये खाना हो जाएगा प्लांट का स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन अब CO2 के अंदर आने के चक्कर में क्या हुआ है, स्टोमेटास भगवान ने बनाए हैं बहुत सारे। अब ये स्टोमेटा तो दिन में ओपन रहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर वेपर भी निकल जा रहा है, उसको कोशिश नहीं की जा रही है, वो ऑब्वियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है। द लीफ ऑफ प्लांट हैव स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बट ड्यू टू द ओपन स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन अकर्स एंड इट इज अनअवॉइडेबल, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप वहां बंद करेंगे तो क्या होगा, बंद करेंगे तो आपका वहां पर कमी आ जाएगी, है ना, आपके फोटोसिंथेसिस में कमी आ जाएगी। तो इट प्रोड्यूसेस अ वाटर डेफिसिट इन द प्लांट विच चेक फोटोसिंथेसिस एंड रिड्यूसेस ग्रोथ, एंड इफ कंडीशन इज सीवियर इट मे कॉज डेथ, और डेसिकेशन डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा से ज्यादा पानी निकल गया तो।
ठीक है, प्लांट को बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ट्रांसपीरेशन को करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही है, बिना मतलब का काम ही है उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर बोझ है। थोड़ा बहुत कूलिंग इफेक्ट और थोड़ा बहुत तो हेल्प करता है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। बहुत सारी एनर्जी वाटर को वेस्ट करनी पड़ती है, 97% पानी, जितना भी पानी है टोटल पानी जो भी एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें से 97% पानी जो आपका वाटर होता है इट गेट लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। ओनली 2-3% इज यूटिलाइज बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटो काम की चीज में तो केवल 2-3% ही पानी यूज हो रहा है, बाकी सारा का सारा मेहनत करके उसको उड़ाना है, पानी को वाटर वेपर बनाना है। देन कम टू एंटी ट्रांसपेरेंट, तो इसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं बहुत ज्यादा, जहां पर गर्मी है, जहां पर डेजर्ट्स हैं वहां पर, या आप अपना बहुत ज्यादा पानी नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करना पड़ता है ताकि प्लांट खराब ना हो। एजेंट्स और केमिकल्स यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन आर कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट। इनके एंटी ट्रांसपेरेंट आप लर्न कर लेंगे, इसमें से वैक्स ऑयल, वैक्स की कोटिंग कर दी, ऑयल की कोटिंग कर दी, ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा। एक हार्मोन होता है, तो जैसे हम लोगों की बॉडी हार्मोन सिक्रीट करती है उसी तरीके से प्लांट की बॉडी भी हार्मोन सिक्रीट करती है। उनमें से एक हार्मोन होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ड्रॉट की कंडीशन है, सूखा पड़ गया, अब प्लांट तो धड़ाधड़ पानी जो है जितना भी है उसे मिल रहा है, वो ट्रांसपायर करता जा रहा है, जबकि चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। उस समय क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं एब्सिसिक एसिड को, और प्लांट खुद भी एब्सिसिक एसिड इस कंडीशन से बचने के लिए सिक्रीट करता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस कंडीशन में उसने सिक्रीट किया, क्या एंटी ट्रांसपेरेंट सीक्रेट किया, दैट इज एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। एक्सेसिव CO2 होता है, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन CO2 की बढ़ गई है प्लांट में तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो अपने आप ट्रांसपीरेशन रुक जाएगा, हाई अगर CO2 है तो। एक केमिकल होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA, ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट के तरह यूज किया जाता है। नाउ मूव टू काइंड्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ जो आपका स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है, जो आपका यहाँ से हो रहा है, ये स्टोमेटल जो ट्रांसपीरेशन यहाँ से वाटर वेपर निकल रही है, ये जो स्टोमेटा से हो रहा है दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द लीव्स अप टू 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा से ही होता है। देन क्यूटिकल, जैसे ये लीव्स हैं इनके ऊपर जो वैक्स कोटिंग होती है, ठीक है, ये एपिडर्मल लेयर खुद सिक्रीट करती है, ये वैक्स की तरह है, क्यूटिकल जिन्हें कहा जाता है, तो वो भी 10% जो है सरफेस से आपका ट्रांसपीरेशन किसी तरीके से हो जाता है थोड़ा बहुत। देन कम टू लेंटिकुलर, क्योंकि बहुत पतली होती है, अगर क्यूटिकल थिक करते जाओगे तो ट्रांसपीरेशन में कमी आती जाएगी। नाउ कम टू लेंटिसल, जैसा कि मैंने बताया जैसे ये प्लांट्स हैं तो इस प्लांट्स में क्या होते हैं, बार्क के नीचे ओपन ओल्ड स्टेम में ओपन पोर्स होते हैं जहां से पानी हमेशा थोड़ा 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 निकलता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये पानी जो है लगातार निकलता रहता है, टपकता रहता है, दैट इज लेंटिसल्स, ओपन पोर्स ऑन द बार्क ऑफ द वुडी स्टेम। ठीक है, पुराने प्लांट के बार्क के नीचे पोर होते हैं जहां से पानी निकलता रहता है और ये होते हैं हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। वाटर थ्रू द लेंटिसल्स आर द माइन्यूट परमानेंट ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द बार्क ऑफ द ओल्ड स्टेम, और ये 1-2% ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपीरेशन को कवर करता है। यानी हमारा क्या हो गया, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन सबसे कम होता है 1-2% टोटल ट्रांसपीरेशन का, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन 9-10% होता है, एंड स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन 90% होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब हम लोग बस एक टॉपिक और देखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखिए, ये मैंने आपको बताया है, ये क्या बनाया है आपने, गार्ड सेल बनाया है। इसकी इनर लाइनिंग कैसी है, थिक है, और आउटर लाइन कैसी है, थिन है। आपकी बाहर कुछ जो है लीव्स मॉडिफाइड हो गई, उन्हें एपिडर्मल सेल्स बोल रहे हैं, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। तो आप इस स्ट्रक्चर में क्या क्या बनाएंगे, ये गार्ड सेल बनाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि गार्ड सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है और ग्लूकोज बना पाता है। तो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द गार्ड सेल, जो कि बड़ा है, दिखता है, क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं क्योंकि थोड़े बड़े हैं अगर माइक्रोस्कोप से आप देखें, और ये एपिडर्मल सेल्स आप बनाएंगे। स्टोमा ओपन है, इस समय खुला हुआ है, थिक इनर वॉल है, थिन आउटर वॉल है, तो ये लेबलिंग आप ढंग से लर्न कर ले। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि स्टोमेटा क्लोज में क्या होता है। अब देखिए यहीं पर मैं बता देती हूँ कि स्टोमेटा ओपन कैसे हो जाता है। दिन का समय है, इन क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, क्या बना, ग्लूकोज बना। जब ग्लूकोज इस गार्ड सेल में बढ़ रहा है, यानी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा इसका सेल सैप। तो इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल, यहां से इसने पानी लेना एंडोस्मोसिस से शुरू कर दिया, एंड बिकम बल्ज, ये बल्ज हो गए दोनों के दोनों। जब बल्ज हो गए तो अंदर तो ये फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो है
ये तो बहुत तगड़ा है, ठीक है, और तो भैया क्या करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे एंड दिस स्टोमक गेट ओपन, ठीक है, ये थिन इनर वॉल की तरफ अंदर से ये जो सेल सैप है बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा, फोर्स लगाने लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और रात के समय क्या है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है क्योंकि रात के समय सनलाइट इज एब्सेंट, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी ग्लूकोज उसने बनाया था सब यूटिलाइज हो गया, सेल्स ने ले लिया अपना अपना ग्लूकोज, अभी क्या है ये जो है आपके हाइपरटोनिक हो जाएंगे, तो यहां से वाटर एपिडर्मल सेल में चला जाएगा एंड दिस गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमा गेट क्लोज। तो ये हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कर लिया है, डिफाइन स्टोमेटा बहुत आता है इसे लर्न कर लेंगे, स्टोमा इज द सिंगुलर टर्म, स्टोमेटा जब सारों को बोलेंगे मींस प्लूरल टर्म है, तो डिफाइन स्टोमेटा में आप क्या लिखेंगे, स्टोमेटा आर द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय किडनी शेप, डायकॉट में ये कैसे होते हैं किडनी शेप और डम्बल शेप इस तरीके से होते हैं, आपके जो मोनोकॉट होते हैं उसमें इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे, ये डम्बल शेप होते हैं, डम्बल शेप किस में होते हैं, डायकॉट मोनोकॉट में होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं, और किडनी शेप या बीन शेप किस में होते हैं, डायकॉट में होते हैं, और ये गार्ड सेल होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रीन स्टेम, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आज की क्लास के लिए इतना ही है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें वीडियो को पॉज करके, और एक मैं आपके लिए ही बना रही हूँ, ये जो जितने भी मेरे कलरफुल नोट्स हैं अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेज एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट आंसर्स एंड एवरीथिंग, मीन्स पूरा का पूरा मटेरियल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड विद इन 15 days आई विल गेट प्रिपेयर एंड देन आई विल मेक अ स्पायरल कॉपी ऑफ दैट एंड इफ यू वॉन्ट टू परचेज इट विद मिनिमम अमाउंट आई विल लेट यू नो, ताकि आप उसको परचेज कर सके और अपनी तैयारी को एक फाइनल स्टैम्प दे सकें, एक फाइनल पुश दे सकें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अलॉन्ग विद डायग्राम आपके पास है और क्वेश्चन आंसर्स, अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर्स सारा कुछ मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। और जो लोग पे नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए वो मिनिमम अमाउंट भी आप नहीं पे कर सकते हैं, आपकी स्थिति नहीं है, एंड तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, आप मेरे नोट्स देखेंगे, फिर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, या आप वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। तो धीमे धीमे मैं आपके बना रही हूँ एंड इट विल टेक मींस विद इन 10 days आई विल कंप्लीट फिनिश द ऑल द 10 class नोट्स लाइक दैट दिस ट्रांसपिरेशन वन एंड देन आई विल गिव एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगी एंड लेट यू नो कि हाउ टू पे एंड हाउ कैन यू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ दैट और PDF ऑफ दैट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम और अच्छी तरीके से पढ़िए एंड आज के लिए इतना ही।